गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 26 तारीख दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर नारियल मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है जी। आज जो है नारियल मंडी में काफी जाम लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। पीछे तक लाइन लगाई जी टेम्पू का और आगे तक भी। देखो जी एक बार दिखाने का कोशिश करता हूँ आप सभी को। देखो जी काफी जाम लगा हुआ है और नारियल मंडी में ही नहीं, नारियल मंडी से बाहर जो गेट है उधर तक लगा है जी। काफी लंबा जाम लगा है आज। देखो चारों तरफ जो एकदम गाड़ी गाड़ी एकदम जाम हो रखा है जी। बाकी देखते हैं आज क्या कुछ माहौल है जी, कितने ताजी गाड़ी है, कितना बैलेंस है, किस किस जगह का माल देखने को मिला है, क्या कुछ रेट खुला जी। अभी मौजूद हूँ परवेज पहलवान एंड कंपनी में दोस्तों। बाकी देखते हैं इनके पास क्या कुछ रेट खुला है, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है जी। क्या हाल है? बस बढ़िया जी, आप बताओ जी। बहुत बढ़िया सर। सर जी नारियल का जो बाजार है आज किस तरह का देखने को मिला, ग्राहक ही कैसा है, किस किस जगह का माल आ रहा है जी यहाँ पे? सर देखो कल संडे है, आज मंडी बंद होगी कल, इसलिए डबल मंडी है आज, थोड़ा ग्राहक ज्यादा है और इस कारण तो है जाम। अच्छा जी। और दूसरी बात है थोड़ा रेट महंगा चल रहा है, पीछे से लोडिंग गाड़ी हो नहीं पा रही। अच्छा जी। यहाँ थोड़ा सा 48 रूपए से लेकर 50 रूपए मंडी का रेट चल रहा है। अच्छा जी। फिलहाल जो करंट का। अच्छा जी। आज टोटल मार्केट में गाड़ी कितनी है जी? आज ताजी गाड़ी 50 गाड़ी है टोटल। अच्छा जी ताजी। हाँ और 2-4 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा जी 2-4 बैलेंस भी है जी। जिसमें गाड़ी 40 गाड़ी है बेंगलोर। अच्छा जी। और 10 गाड़ी है गुजरात। 10 गाड़ी जो है गुजरात है। हाँ जी सर। तो सर जी अपने पास जो ये गाड़ी लगी जी ये कहाँ का है जी? ये सर बेंगलोर का है, कर्नाटक का। बेंगलोर कर्नाटक का। हाँ जी। तो इसका क्या कुछ बाजार खुला जी? सर इसका आज का रेट है 48 रूपए। 48 रूपए। हाँ जी सर। अच्छा जी। और जो एक नंबर टॉप माल है जी? एक नंबर टॉप जिसे परचून बोलते हैं उसे 52 रूपए और 53 रूपए। अच्छा जी। 50 से 52 रूपए 53 रूपए तक है। अच्छा जी। मतलब 50 से 53 रूपए तक माना जाए परचून माल। परचून माल। अच्छा जी। और जो एक तरफ वाला है जी वो 48 रूपए रेट है आज का। 48। और जो दो नंबर क्वालिटी है सर वो है सर 35 रूपए। अच्छा जी। और बेंगलोर का कौन कौन सी एरिया से आते हैं माल जी? बेंगलोर में आता है मद्दूर से आता है, मांडिया से आता है, कैरपेट से आता है, पांडापुरा से आता है। अच्छा जी। और चनपटना से आता है, केम ड्यूटी से आता है। अच्छा। और चित्रदुर्गा से भी आता है। अच्छा जी। तो उधर के जो एरिया है सर उनका क्या रेट देखने को मिला जी? सर आज के पीछे की जो लोडिंग हो रही है वो 30 रूपए से लेके 35 रूपए तक लोड हो रहा पीछे। अच्छा उधर ही प्रोडक्शन में जी जहाँ से लोडिंग मंडी है जी। हाँ। अच्छा जी। तो सर अगर बात करें दूसरे एरिया का जो आपने बताया जी वो यहाँ पे जो रिटेल मंडी है आजादपुर में, तो यहाँ पे क्या कुछ बाजार है जी? इससे ये जो आपके पास माल है इससे कुछ अलग बाजार है या सेम ही बाजार है सभी एरिया का? सर सेम बाजार है, जैसे गुड़गांव का भी सेम बाजार चल रहा है फिलहाल। हम वहाँ से लोकेशन लेते रहे क्या रेट चल रहा है क्या ना, तो हमें पता चलता रहता है। साहिबाबाद में भी और आजादपुर में भी सेम रेट चल रहा है। अच्छा जी। सर जी मैं ये पूछ रहा हूँ जी जो बेंगलोर के एरिया जितने भी आपने बताया जी, तो यहाँ पे दिल्ली में सभी एरिया का रेट सेम है या फिर अलग अलग एरिया का अलग अलग रेट है जी? सर रेट अलग अलग है, जैसे चनपटना है उसका 2 रूपए डाउन है। अच्छा जी। जो मजदूर है मेन मंडी नारियल की मजदूर है जी, उसका रेट थोड़ा महंगा है। अच्छा जी। 3400 रूपए 3600 रूपए तक लोडिंग हो रही है। अच्छा जी वहीं पे पीछे। हाँ मजदूर में भी फर्क देखने को मिलता है या फिर क्या जी? सर पार्टी में 100% फर्क लगता है देखने को। हाँ क्वालिटी में। अच्छा जी। मजदूर मंडी का माल होता है वो सुपर माल होता है, कैरपेट का मजदूर का और मांडिया का जो माल होता है सर वो क्वालिटी वाला माल होता है। अच्छा जी। जिसकी मंडी में डिमांड भी होती है और अदर राज्य का मतलब और भी जगह है उनका रेट कम होता है। अच्छा जी। और पानी का लेवल कैसा होता है जी? सर पानी का जो हमारे पास में फिलहाल ये जो माल है ये ओनली पानी वाला है, मलाई वाला नहीं होगा। अच्छा जी। की नई फसल आ गई तो नया पानी वाला माल होगा। अच्छा और पानी की क्वांटिटी होगी कम से कम 400 ml से 500 ml तक। 400 ml से 500 ml तक। अच्छा जी। ये अभी नया फसल आ रहा है जी? ये सर नई फसल है। अच्छा जी। और सर जी बात करें गुजरात वाला उसका क्या कुछ पोजीशन चल रहा है? सर गुजरात में थोड़ा महंगा रेट है, उसका भाड़ा ज्यादा महंगा पड़ रहा है, वो 50 रूपए दिल्ली में आके पड़ रहा है। हम क्या रेट बेचे हैं इसलिए गुजरात कम मंगा रहे हैं, गुजरात का जो मिक्स माल मंगा रहे हैं जो हमें दिल्ली में पड़ रहा है 47-48 रूपए जी, ताकि 50-51-49 हम बेच के 10-5 हजार रूपए पे मुनाफे पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी। मतलब उधर का पड़ता नहीं आ रहा जी? कम नहीं सर, गुजरात से हमारा पड़ता नहीं आ पा रहा। अच्छा जी। तो आज क्या कुछ रेट बिका जी यहाँ पे? सर आज का जो करंट रेट है वो 48 रूपए है, 47 से 48 रूपए जी, एक नंबर माल का। एक नंबर का। हाँ जी सर। उसमें भी परचून क्वालिटी होता जी? सर उसमें परचून क्वालिटी होती है, थोड़ी बहुत होती है, जैसे कि हमने गाड़ी में 2,000-2,500 दाना निकलता है टोटल 12,000 दाने के अंदर में। अच्छा जी।
क्वालिटी इतना निकलता है जी। जी सर। और हाँ जी सर जी, जो गुजरात का दो नंबर माल है जी, उसका क्या बाजार चल रहा है जी? सर गुजरात का चल रहा है लेकर 28 रूपए से 30 रूपए तक। अच्छा जी, 25 से 30 रूपए समझो। अच्छा, 25 से लेकर 30 रूपए, 30 रूपए दो नंबर। अच्छा, तो सर जी जितना गाड़ी यहाँ पे आ रहा है इस समय, तो उतना खपत है जी मार्केट में? हाँ सर, इस टाइम नारियल की डिमांड चल रही है ना जी, नारियल की सर डिमांड चल रही है, इसलिए खपत है, तभी तो इतनी गाड़ी है। अच्छा जी, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। शॉप नंबर है D406 आजादपुर मंडी, अपने नादाम मंडी में फट नंबर 14 जी। फर्म का नाम है पीपी अहमद परवेज पहलवान, दिल्ली आजादपुर मंडी। मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर है 9911345921। ओके, दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है। हाँ जी बताना जी सर। दूसरे वाला कॉन्टेक्ट नंबर है 9999094795। ओके जी, शुक्रिया जी।